सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो आपको इंडिया में अवेलेबल है। आप इस फेस्टिवल सीजन पे इसे ले सकते हैं या फिर आप जब भी मन बना रहे हैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने के बारे में तो आप इनकी तरफ जा सकते हैं, आप इन्हें कंसिडर कर सकते हैं। और इनमें से कुछ आपको जल्दी इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएंगे और इनमें से कुछ अभी भी अवेलेबल हैं जिन्हें लोग काफ़ी ले रहे हैं और काफ़ी लोग इससे सेटिस्फाइड भी हैं। अब बात करते हैं नंबर 1 पे आने वाली गाड़ी के बारे में, जो कि है सबसे ट्रस्टेड कंपनी की तरफ से, टीवीएस की तरफ से इलेक्ट्रिक स्कूटर जिनका नाम है IQ और ST। इन दोनों वेरिएंट्स में आपको काफ़ी अच्छी रेंज मिलेगी, काफ़ी अच्छी ड्यूरेबिलिटी मिलेगी। अब बात करते हैं इन गाड़ियों के बारे में जो कि काफ़ी अच्छी रहने वाली है आपके लिए। हम IQ और ST में से एक वेरियंट के बारे में आज चर्चा करेंगे जो कि है ST। इसकी जो प्राइस है वो आपको 1.25,000 के मिलने वाली है एक्स शोरूम, यानी कि 1,25,000 एक्स शोरूम के प्राइस में आप इसे देख सकते हैं। आपको इसमें सब्सिडी मिल जाएगी आपके स्टेट वाइज। अब बात करते हैं इसकी मोटर के बारे में जो कि आपको 4.4 किलोवाट की मिलने वाली है। इसमें जो आपको बैटरी मिलेगी 4.56 किलोवाट की मिलने वाली है, जो कि फिक्स्ड बैटरी होगी, आप इसे निकाल नहीं पाएंगे। इसकी जो टॉप स्पीड होगी वो 82 किलोमीटर की होने वाली है और इसमें जो आपको चार्जिंग टाइम मिलेगा वो 4 से 5 घंटे के पास मिलने वाला है। इसमें आपको एक फास्ट चार्जर भी मिल जाएगा जो कि आपको अलग से लेना पड़ेगा। इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएंगे। इसमें जो आपको लोड कैपेसिटी मिलेगी वो 150 किलोग्राम की रहने वाली है, यानी कि आप 150 किलो का वजन इस गाड़ी में आराम से ढो सकते हैं, आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें जो आपको बूट स्पेस मिलेगा वो भी काफी अच्छा मिलेगा, 2 हेलमेट इसमें आराम से आ जाएंगे। इसमें जो आपको फीचर्स है वो आपको सारे अच्छे अच्छे मिल ही जाएंगे। इस गाड़ी को आप जरूर कंसीडर करें क्योंकि TVS की जो ये दोनों वेरिएंट्स है IQ और ST, काफी लोग इसे पसंद कर रहे हैं, इनकी जो रिव्यूज आ रहे हैं काफी अच्छे आ रहे हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 में आने वाली गाड़ी के बारे में जो कि है इंडिया की सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि अभी लॉन्च नहीं हुई है पर जब लॉन्च होगी इसे काफ़ी लोग पसंद करने वाले हैं क्योंकि इसके जो रिव्यूज़ हैं और काफ़ी अच्छी इसकी डिमांड होने वाली है, क्योंकि इसकी जो सारे फीचर्स हैं और सारे स्पेसिफिकेशंस हैं काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। ये गाड़ी का नाम है Simple 1। Simple 1 अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हो पाई है क्योंकि इस गाड़ी को अभी तक भारत में लॉन्च नहीं किया गया, इसे जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा। कंपनी काफ़ी टाइम लगा रही है इसे लॉन्च करने पर जब ये लॉन्च होगी लोग इसे काफ़ी पसंद करने वाले हैं। इसकी डिलीवरी नवंबर के आसपास में आपको जल्दी मिल जाएगी, जल्दी इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसका जो प्राइस रहने वाला है 1.45 लाख रुपीज रहने वाला है एक्स शोरूम। इसमें आपको सब्सिडी मिल जाएगी, सभी गाड़ियों में आपको जो भी इलेक्ट्रिक आप लेंगे उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी ही मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। Simple 1 में आपको 2 वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, पहला तो आपको इसमें बेस मॉडल मिलेगा और सेकंड जो होगा इसका आपको एक्स्ट्रा रेंज वेरिएंट होगा। एक्स्ट्रा रेंज वेरिएंट से जैसे कि आप समझ ही पा रहे होंगे कि इसमें आपको काफी अच्छी और लंबी रेंज मिल जाएगी। इसकी जो रेंज होगी वो आपको 200 किलोमीटर की मिलने वाली है, 200 से 300 के बीच में मिलने वाली है, जो कि काफी अच्छी रेंज होने वाली है। अब इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4.8 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाएगी। इस गाड़ी को आप जल्दी इंडियन मार्केट में देख पाएंगे, जो कि आपको काफी अच्छी बैटरी और काफी अच्छा रेंज आपको प्रोवाइड कर देगी। अब बात करते हैं नंबर 3 में आने वाली गाड़ी के बारे में जो कि है हीरो की विदा। हीरो की विदा विदा ब्रांड के साथ लॉन्च होगी, यानी कि हीरो का एक ब्रांड होगा विदा, वो इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चर करेगा, तो इसी के साथ आपको इसमें ये गाड़ी मिल जाएगी। ये इंडियन मार्केट का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाला है। इसकी जो प्राइस रहेगी वो 80,000 एक्स शोरूम की रहने वाली है। इसमें जो आपको मोटर मिलेगी वो 3.8 किलोवाट की मिलने वाली है। इसमें आपको जो टॉप स्पीड मिलेगी वो 90 किलोमीटर की मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी है। और इसमें आपको जो बैटरी मिलेगी वो 72 वाट की मिलेगी, काफ़ी अच्छी चार्जिंग के साथ इसमें आपको ये बैटरी मिलने वाली है। इसमें जो आपको रेंज मिलने वाली है अभी तक के सारे स्कूटर्स में सबसे अच्छी मिलने वाली है, यानी कि आपको इसमें 115 किलोमीटर की एक सिंगल चार्ज में रेंज मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी है। काफ़ी दूर तक आप इस गाड़ी में जा सकते हैं सिंगल चार्ज करके। इसकी जो लोड कैपेसिटी होने वाली है, यानी कि वजन सहने की जो क्षमता होने वाली है, वो 150 किलोग्राम से लेकर 180 किलोग्राम तक होने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी है और सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं नंबर 2 में आने वाली गाड़ी के बारे में जो कि है हीरो की इलेक्ट्रिक है। इसमें आपको 2 स्कूटर्स मिल जाएंगे, एक AE29 और एक AE75। ये दोनों ही गाड़ियां हीरो की तरफ से आने वाली काफी अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं। इसमें आपको हीरो का एक अच्छा ट्रस्ट मिलेगा, जो कि हीरो काफी सालों से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती आ रही है पेट्रोल गाड़ियों को, ये आपको अब इलेक्ट्रिक में भी देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं AE29 के बारे में। इसमें आपको 55 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिलेगी। इसमें जो आपको प्राइस है वो आपको 85,000 का मिल जाएगा। आपके स्टेट वाइज आपको इसमें सब्सिडी भी मिल जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें जो आपको मोटर मिलेगी 1 किलोवाट की मिलेगी। इसमें जो आपको टॉप स्पीड होगी वो 55 किलोमीटर पर आवर की मिल जाएगी। इसमें आपको जो बैटरी है वो आपको 52 किलोवाट की मिलेगी। इसमें आपको रेंज काफी ज्यादा अच्छी मिलती है, इसमें आपको 80 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है एक सिंगल चार्ज में। और इसमें जो चार्जिंग टाइम है वो आपको 4 से 5 घंटे का मिलने वाला है, यानी कि आप एक बार में चार्ज करके इसमें काफी अच्छा रेंज जो है कि 80 किलोमीटर का आप पूरा कर सकते हैं। आपको 4 से 5 घंटे इसे चार्ज करने में देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं इसके सेकंड वेरिएंट के बारे में जो कि है AE75। इसका जो प्राइस है वो आपको 80,000 का मिलेगा। इसी प्राइस के ऊपर आपको आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सब्सिडी होगी वो आपको मिल जाएगी। इसमें जो मोटर मिलेगी आपको वो सेम AE29 की तरह
इसमें भी आपको 1 किलोवाट की मिलती है। इसमें आपको टॉप स्पीड 55 किलोमीटर की मिलती है। इसमें जो आपको बैटरी है वो सेम यानी कि 52 वाट की मिलेगी। इसकी लोड कैपेसिटी यानी कि आप इसमें जितना वजन ले जा सकते हैं उसकी कैपेसिटी इसमें 150 किलोग्राम है। इसकी जो रेंज है वो भी सेम 80 किलोमीटर है। इसी के साथ इसमें आपको सारे बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले नंबर में आने वाली गाड़ी के बारे में, जो कि है वेस्पा की इलेक्ट्रिका। ये वेस्पा कंपनी की सबसे पहली हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि इस कंपनी से आती है। ये गाड़ी आपको 90,000 के एक्स शोरूम प्राइस में मिल जाएगी। आपके जो भी स्टेट के वाइज है आपको इसमें सब्सिडी भी मिल जाएगी। इसमें आपको जो मोटर मिलेगी वो आपको 6.3 किलोवाट की मिलेगी। इसकी जो टॉप स्पीड है वो आपको 70 किलोमीटर की मिलेगी। इसमें जो आपको बैटरी है वो आपको 3.4 किलोवाट की मिल जाएगी। इसमें आपको जो रेंज मिलेगी वो 100 किलोमीटर की मिलेगी एक सिंगल चार्ज में। इसकी जो आपको चार्जिंग की स्पीड मिलेगी वो आपको 3.4 आवर से लेकर 4.5 आवर तक में मिल जाएगी। इसमें आपको यानी कि आप 3 घंटे या फिर 4 घंटे के आसपास इसे आप फुल चार्ज कर लेंगे। एक बार चार्ज करने पे आपको ये 100 किलोमीटर की रेंज दे देगी। इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे जैसे कि ब्लूटूथ, फाइंड माई स्कूटर, ऐसे ही आपको इसमें सारे बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे। तो आपको इन सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में से कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा पसंद है हमें कमेंट में जरूर बताएं।